नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ICER से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि ICER 2022 में आने के 100% चांस है। तो दोस्तों यह सिर्फ एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, बाकी आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इस ग्रुप से अगर हो तो आपको जो है आपको सीधा आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करो, आपको जो है आपके ग्रुप से रिलेटेड सारे नोट्स PDF आपको सीधा आपके व्हाट्सएप में सेंड किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो और आपका एग्रीकल्चर का भी 50 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप का क्या ICER में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है, संसार के पहली सर्वाधिक उपज देने वाले धान की बोनी किस्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूसा बासमती 1। आगे देखते हैं, बाहर एक लोकप्रिय प्रजाति है तो किसका प्रजाति है? तो दोस्तों अरहर की। दोस्तों आपको बता दें ICER का जो एक पेपर जो है उसमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपको कोई एक को राइट करना होता है। तो इस टाइप का जो है आपको नहीं पूछा जाएगा कि बाहर एक लोकप्रिय प्रजाति किसका है करके। तो यहाँ पे आपको खालिस्तान टाइप का फिल इन द ब्लैंक नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा जैसे धान, मक्का, अरहर या सरसों। तो इसमें से आपको जो राइट क्लिक करना है आपको जो इसका राइट आंसर हो, जैसे कि इसका राइट आंसर अरहर है। आगे देखते हैं, रंजीत किस फसल की किस्म है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ की किस्म है। आगे देखते हैं, अरुणा एक म्यूटेंट प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरंडी की। आगे देखते हैं, मिसकावी किस फसल की किस्म है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बरसीम का। दोस्तों इस टाइप का किस्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी ICER में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और दोस्तों यहाँ से ही हर साल क्वेश्चन पुटअप होता है। तो दोस्तों अगर आप ICER का तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने नोट्स ले चुके हो ICER का तो दोस्तों आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको जो है सारा मटेरियल आपको नोट्स में सेंड कर दिया है, आप अपने नोट्स को स्टडी करो। आगे देखते हैं, मटर के पर्ण रहित किस्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है अपर्णा। आगे देखते हैं, सनराइज सिलेक्शन किसके किस्म है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा सूरजमुखी की किस्म है। आगे देखते हैं, मोहिनी किसका किस्म है? तो दोस्तों मोहिनी जो है मोंग का किस्म है। दोस्तों अगर आप CGPAT या MPPAT का तैयारी कर रहे थे तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको कई बार देखने के लिए मिल गया होगा, तो दोस्तों आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। पूसा बासमती किसका किस्म है? तो इसका जो राइट आंसर है लोबिया की। अंकुर किसका किस्म है? तो इसका जो राइट आंसर है सोयाबीन की। मंजीरा किस फसल की किस्म है? तो ये कुसुम की। तो दोस्तों अगर आपने हमसे नोट्स नहीं लिया तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। आगे देखते हैं, अरहर की सबसे पहले पकने वाली किस्म कौन सी है? तो उपास 120 करके एक किस्म है अरहर की, जो कि सबसे कम दिनों में जो है पककर रेडी हो जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जीरो से ड्रिल तकनीक का विकास किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, तेल में तेल की मात्रा कितना परसेंट होता है? दोस्तों कितना परसेंट तेल की मात्रा कौन सी तिलहनी फसल से होता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो तेल में तेल की मात्रा जो है 46 से 52% होता है और तेल में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% होता है मूंगफली। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली के दाने में दानों की मात्रा कितने परसेंट होता है? तो दोस्तों मूंगफली होता है उसमें दानों का प्रतिशत जो है 70% जो है दाना रहता है, बाकी 30% जो इसका अवशिष्ट पदार्थ जिसे खोखला वगैरह जो भी कहते हैं वो रहता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, मूंगफली के दाने में क्रमशः प्रोटीन और तेल कितना परसेंट होता है? तो प्रोटीन जो हमारा मूंगफली के दाने में हो जो 45% होता है और जो है सॉरी दोस्तों यहाँ पे मूंगफली के दाने में तेल जो है हमारा 45% होता है और जो है प्रोटीन जो है 26% होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30% और सामान्य कपास में रेशे का प्रतिशत कितना होता है? तो 24%। कपास के दाने में तेल का प्रतिशत कितना होता है? तो 15 से 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा H4। तो दोस्तों अगर आपको भी इसी टाइप का नोट्स से तैयारी करना है तो आप हमसे सीधा नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हो या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहो, यहाँ पे दोस्तों दिन प्रतिदिन आपको जो है वीडियो मिलते जाएंगे। यहाँ पे दलहनी फसलों की रानी कौन है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा मटर है। देश में किस राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों दाल का कटोरा जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे देखते हैं, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करता है वो हो जाएगा राजमा, जो है दलहनी होते हुए भी जो वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं, सर्वाधिक लवण सहनशील धान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक सूखा सहनशील वाली धान कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। आगे देखते हैं, सरसों के तेल में दुर्गंध किस खरपतवार के कारण आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्यानाशी खरपतवार जो है सरसों के बीज के साथ मिल जाता है, उसे दोस्तों अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दोनों का बीज साइज एक ही रहता है, इसलिए दोस्तों जो सरसों के तेल से जो दुर्गंध आता है वो सत्यानाशी के बीज के कारण से आता है। आगे देखते हैं, सरसों के तेल को सत्यानाशी के बीज मिलने से
खाने के कारण कौन सा बीमारी होता है। मतलब दोस्तों जो सरसों का तेल होता है उसमें जो सत्यानाशी का बीज का खरपतवार किसी कारणवश मिल जाता है और उस तेल को अगर हम खाते हैं तो इससे जो बीमारी होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जलोदर, जिसे ड्रॉपसी रोग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं LEISA के प्रयोग का संबंध किससे, तो ये कार्बनिक खेती से। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपको करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप भी CGPAT या फिर ICAR या MPPAT का तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हमारे चैनल पर सारे का सारा कोर्स का आपको नोट्स PDF मिल जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोचिंग में जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा सबसे कम फीस में। तो दोस्तों अगर आपको PAT का नोट्स PDF चाहिए तो दोस्तों PAT का हमारे पास जो है कम्प्लीट नोट्स PDF टोटल 70 से 80 PDF आपको मिलेगा, जिसका फीस मात्र 350 है। अगर आप ICAR का तैयारी कर रहे हो तो ICAR का जो है आपका चार्ज पड़ेगा आपको 300 रुपये और MPPAT का जो आपका जो चार्ज पड़ेगा 300 रुपये। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विश्वास पर।